बुरहानपुर जिले के नेपा नगर के नावरा चौकी से एक एनजीओ को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों को महाराष्ट्र में बंधक बनाकर उनसे मजदूरी कराई जा रही है तथा उन पर अत्याचार किया जा रहा है। इस पर एनजीओ की टीम ने 14 बंधकों को मुक्त कराया। वहीं जब इन बंधकों से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि ठेकेदार द्वारा नौकरी और अधिक पैसों का लालच देकर उन्हें गन्ना कटाई के लिए कर्नाटक ले जाया गया, किंतु वहां काम पूरा होने के बाद ठेकेदार द्वारा मजदूरों पर पैसा बकाया बताकर उन्हें महाराष्ट्र में अन्य ठेकेदार के पास बेच दिया, जो यहां भिन्न पीड़ितों के साथ इसी प्रकार की घटना घटित हुई, किंतु एनजीओ द्वारा रेस्क्यू कर इन्हें छुड़ा लिया गया। अब पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के बीच आपसी तनातनी में इन पीड़ितों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। आप लोगों ने बंधक बनाया था? हमारे को माधव भंडारे उस जिला कहाँ पर? वो बीड़ जिला। बीड़ जिला, ये कहाँ पर पड़ता है? ये अपने नगर के आगे। कितने लोग थे आप? हम 25 एक घंटे हमारे में दो टोल हो गई। क्यों बंदूक बनाया हमने? उनने हमारे को गन्ना काटने लगा दिए तो हमारे से पे बोले तुम्हारे पे बोले पैसे नहीं कर रहे बोले गन्ना काट के भी तो वो बोले लगे थे बोले तुम बोले हमको पैसा ला के दो बोले ना तुम जा सकते बोले तो हमने पैसा उसको 1,00,000 रुपये भरे तो हाँ वो 40 गाँव में टोली उसके ना हमारे। कितने दिन आपको बंदा बना के रखा? हमारे को उसने 1 महीना। आप वहाँ कैसे गए थे? हमारे को लेने आए थे घर। क्या घर पर? हाँ, कौन लेने आया था? वही लेने आया काम के लिए। हाँ, मामला नेपा नगर थाना प्रभारी महोदय के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिली थी कि बदनापुर और पलासुर गांव के जो लेबर है वो जो महाराष्ट्र का बीड़ जिला है वहां पर महादेव बिल्लो ने बंधक बनाकर रखा हुआ है, जहां पर 20-25 लोग हैं तो उनका रेस्क्यू करके लाना है। तो फिर उनके ही मार्गदर्शन में एसपी साहब से बात हुई, एसपी साहब ने पूरा एक दल गठित करा और उस दल के साथ में हम लोग गए थे और वहां जाकर फिर हम लोग इनका रेस्क्यू करके लेके आए हैं। तो दोपहर न्यूज़ के लिए बुरहानपुर से मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट।